धीरे धीरे इसमें तेजी लाएंगे। अब धीरे धीरे तेजी के साथ पैर को, दोनों पैर को उठाते हुए और तेज अपने घुटने को चेस्ट में सटाने की कोशिश करें। करते जाइए। अब सामने की तरफ, पीछे की तरफ गिरे नहीं आप। अब दोनों तरफ साइड में करते जाइए। वार्म अप से आपकी आलस तंद्रा दूर होगी। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन एक सीरीज होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः उषापान करने के बाद इन तीनों आसन को करना चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। फैलाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ठीक, सबसे पहले लेफ्ट साइड पैर के पास कलहत्थी को रखें, मान की तरफ होगी। दूसरे साइड राइट साइड पुनः लेफ्ट। धीरे धीरे इस आसन में तेजी लाते जाएंगे। करते जाइए। इस आसन के करने के बाद आपके शरीर में ताजगी आएगी, स्फूर्ति आएगी। सभी लोग करें। आप लोग चुपचाप खड़े हो जा रहे हैं। अब रिलैक्स करेंगे, वापस आ जाएं जिस तरह से गए थे। पूरा शरीर को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। देवस्य भुजंगासन। अब एक पैर को ऊपर की तरफ और एक हाथ भी ऊपर की तरफ होगा। आप खुद देख सकते हैं कितना कठिन आसन है। जब आपका अभ्यास तद जाए तो इस आसन को करें। वापस चक्रासन। इसके लिए सबसे पहले शशांक आसन में आएंगे। शशांक आसन से धीरे धीरे सिर, गर्दन, उसके बाद चेस्ट को उठाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे। अब दोनों पैर को मोड़ दें। इसके लिए सबसे पहले पद्मासन, उसके बाद ये हुआ पद्म बकासन। अब इससे हस्त वृक्षासन और अब हुआ ऊर्ध पद्म वृक्षासन। देखिए काफी कठिन अभ्यास। अब इसके बाद इसी से हस्त वृश्चिक आसन में आ गए। हस्त वृश्चिक आसन, इसमें भिक्षु के समान शरीर का पोस्चर होता है। पुनः हस्त सर्वासन में वापस काउंटर पोज। ये हुआ विपरीत टिटिभासन। रिलैक्स। अगला जो आसन है हनुमान आसन। दोनों पैर को धीरे धीरे फैलाएंगे। देखिए इसके लिए दोनों पैर का स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। हनुमान आसन।
ये हुआ एडवांस हनुमान आसन। हनुमान आसन से थाई मसल मजबूत होता है। ये पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिमोत्तान आसन डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी लाभदायक। अब रिलैक्स करेंगे। एक पैर को कंधे के ऊपर रखेंगे। एक हुआ स्कंदासन, एक पाद स्कंदासन। अब इसमें पैर को उठा लिए, ए हुआ उत्थित स्कंदासन। वापस जिस तरह से पक्षी होता है उस तरह से करेंगे। इसमें सबसे पहले एक पाद स्कंदासन में आते हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे एक पैरों के ऊपर खड़ा होते हैं, दोनों हाथ को फैलाते हैं। ये देखिए इसका पोस्चर बिल्कुल पक्षी की तरह है, उड़ते हुए पक्षी की तरह। वापस वापस रिलैक्स करेंगे। आकार का हो जाता है जिस तरह से ओम लिखा जाता है उस तरह से शरीर का आकार। ये देखिए ओम की तरह पूरे शरीर का आकार। आप लोग ताली बजाइए, ताली बजाकर इनका उत्साह वर्धन कीजिए। वापस सारे जितने भी कठिन आसन है निरंतर लगातार अभ्यास का परिणाम है। लगातार अभ्यास से हर चीज हासिल किया जा सकता है। अब इसके पश्चात कपिलासन, कपिलासन नाम से ही है, कपिल मुनि इस आसन के प्रणेता। अब रिलैक्स करेंगे। ये हुआ एक पाद मयूरासन। देखिए काफी कठिन अभ्यास, इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बक अर्थात बगुला, बगुले की तरफ इसमें आकृति होती है। देखिए सारा हैंड स्टैंडिंग पोस्चर, इसके लिए आपके हाथों में काफी ताकत की आवश्यकता होती है, हाथों की ताकत इससे बढ़ती है। बकासन में दोनों पैरों को फैलाकर ये हुआ द्विपद प्रसार बकासन। वापस रिलैक्स। आठ जगह पे मुड़े हुए ये हुआ अष्टवक्रासन। वापस अगला अभ्यास पूर्ण शलभासन।
पूर्ण शलभ से डिम्बासन में आ गए हैं। वापस रिलैक्स, अब इसके पश्चात अगला आसन दीपक आसन। इसमें शरीर का पोस्चर, शरीर की आकृति दीपक के समान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पूर्ण भुजंगासन, इसके पश्चात पूर्ण धनुरासन, इसमें आगे की ओर झुकते हुए दीपक आसन लगाएंगे। ये हुआ दीपक आसन। इसमें देखिए पूरे शरीर की आकृति एक दीपक के समान। वापस रिलैक्स करेंगे, को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ये देखिए भ्रमर नौली, पहले बीच में बाएं दाएं फिर ट्रंक। पुनः एक बार नौली से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब उड़ियान बंद, पूरे पेट की मांसपेशी को अंदर की तरफ, पीठ मेरुदंड में सटाए हुए हैं।